डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज हम प्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा, जब हम एक फूल देखते हैं, एक फ्लावर देखते हैं, तो इसमें जो फीमेल पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड कार्पल। तो इस कार्पल के तीन हिस्से होते हैं, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। तो ओवरी जो बेसल पार्ट होता है, उसी में ओव्यूल्स होते हैं। तो ये ओव्यूल्स जो होते हैं, जो बाद में सीड्स बन जाते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और दिस ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। तो ये प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा इज अ पैरेन्काइमेटस कुशन इनसाइड ओवरी वेयर ओव्यूल्स आर बॉर्न, जैसे मैंने यहाँ लिखा है। तो अब प्लेसेंटेशन क्या होती है? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इनसाइड ओवरी। तो अब आपको पता चल गया होगा कि प्लेसेंटेशन क्या होती है। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इनसाइड ओवरी। नाउ देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ दिस प्लेसेंटेशन। नंबर फर्स्ट मैं लिखूंगा यहाँ, मार्जिनल प्लेसेंटेशन। मार्जिनल प्लेसेंटेशन, जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में भी देखेंगे, इसमें जो ओवरी होती है, इट इज इलॉन्गेटेड। यहाँ जो ओवरी होती है, इट इज इलॉन्गेटेड वन, और यहाँ डॉर्सल और वेंट्रल सूचर्स होते हैं। जो ओव्यूल्स होते हैं, वो अटैच्ड होते हैं दिस टू डॉर्सल सूचर। ओव्यूल्स आप लिखेंगे, ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू डॉर्सल सूचर। यहाँ हम देख सकते हैं डायग्राम में, ये ओव्यूल्स जो हैं, दे ऑकर लॉन्गिट्यूडनली अलोंग द रिज। एग्जाम्पल ऑफ दिस प्लेसेंटेशन इज पी। नाउ नंबर सेकंड प्लेसेंटेशन इज पैराइटल। नंबर सेकंड इज पैराइटल, पैराइटल प्लेसेंटेशन। यहाँ आप डायग्राम में देखिए, दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन क्यूकम्बर एंड मस्टर्ड। तो यहाँ इस पैराइटल में क्या होता है, ये जो ओवरी यहाँ होती है, इट इज कंपाउंड और सिनकॉर्पस, एंड देयर आर टू और मोर लॉन्गिट्यूडनल प्लेसेंटे और फाइल्स ऑफ ओव्यूल्स अटैच्ड टू द ओवरी वॉल। यहाँ आप देख सकते हैं डायग्राम में। और मस्टर्ड जो होता है, वहाँ एक फॉल्स सेप्टम यहाँ डेवलप होता है, जिसको हम बाद में रेप्लम कहते हैं। रेप्लम, इस फॉल्स सेप्टम को हम रेप्लम कहते हैं। किसमें होता है? ये मस्टर्ड में होता है। तो इसके बाद और एक काइंड है, इसको हम एक्साइल प्लेसेंटेशन कहते हैं। नंबर थर्ड एक्साइल प्लेसेंटेशन कहते हैं। आप डायग्राम में पहले देखिए, एक्साइल प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन टोमेटो, लेमन और ऑरेंज। ये तो आपने तीनों खाए होंगे तकरीबन, उनमें आप देखिए ये एक्साइल प्लेसेंटेशन होती है। तो यहाँ क्या होता है, इट ऑकर्स इन सिनकॉर्पस पिस्टल्स, दिस एक्साइल प्लेसेंटेशन। ओवरी जो यहाँ होती है, इट इज पार्टिशन्ड। आप डायग्राम में देखिए, इट इज पार्टिशन्ड इनटू टू और मोर चैम्बर्स, और जो प्लेसेंटे होते हैं, दे आर अटैच्ड टू द सेंट्रल रीजन वेयर सेप्टा मीट। तो ये एक्सेल प्लेसेंटेशन है। अब नंबर फोर है फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन,
प्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन में क्या होता है, हेयर द पिस्टल इज पॉलीकॉर्पलरी एंड सिनकॉर्पस बट ओवरी इज यूनिलॉक्युलर। यही जो फर्क है इस प्री सेंट्रल में और दूसरे प्लेसेंटेशन में, यहाँ जो ओवरी है वो यूनिलॉक्युलर है, इसमें कोई चैम्बर नहीं है। तो जो ओव्यूल्स हैं दे आर बॉर्न अराउंड अ सेंट्रल कॉलम विच इज़ नॉट कनेक्टेड बाय एनी सेप्टम। इसको हम डायंथस में देख सकते हैं। ये फ्री सेंट्रल और दूसरे जो प्लेसेंटेशन है यही फ़र्क है, यहाँ ओवरी जो होती है दैट इज़ यूनिलॉक्युलर। और एक काइंड है हमारे पास जिसको हम बेसल प्लेसेंटेशन कहते हैं, बेसल प्लेसेंटेशन। तो बेसल प्लेसेंटेशन किस में हम देखते हैं, यहाँ हम एग्जांपल लेंगे सनफ्लावर की। इट इज़ फाउंड इन सनफ्लावर, ऑल्सो फाउंड इन मैरीगोल्ड। तो बेसल प्लेसेंटेशन में क्या होता है, हम पहले इसकी डायग्राम बनाएंगे। ये हम एक बेसल प्लेसेंटेशन बनाएंगे, इसमें यहाँ एक ही ओव्यूल होता है। तो यहाँ दिस इन बेसल प्लेसेंटेशन पिस्टल कैन बी मोनोकॉर्पलरी और सिनकॉर्पस एंड ओवरी इज यूनिलॉक्युलर। अगेन यहाँ भी जो ओवरी है इट इज यूनिलॉक्युलर एंड सिंगल प्लेसेंटा एट द बेस विद अ सिंगल ओव्यूल। यहाँ जो एक सिंगल प्लेसेंटा होता है और उस पर सिंगल ओव्यूल होता है, क्योंकि ये बेस पे होता है इसलिए हम इसको बेसल प्लेसेंटेशन कहते हैं। तो इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ ओवरी द फ्लावर कैन बी हाइपोगाइनस, इट कैन बी एपिगाइनस एंड इट कैन बी पेरिगाइनस। व्हेन द ओवरी इज सुपीरियर, व्हेन द ओवरी इज सुपीरियर वी कॉल द फ्लावर एज हाइपोगाइनस एंड व्हेन द ओवरी इज इन्फीरियर वी कॉल इट एज एपिगाइनस एंड व्हेन दिस ओवरी इज हाफ सुपीरियर एंड हाफ इन्फीरियर वी कॉल इट पेरिगाइनस। तो इंशाल्लाह अब हम दूसरे लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। खुदा हाफिज़।